हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली सांभर की रेसिपी लेकर आई हूं, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा आता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती चलूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तूर दाल यानी अरहर दाल को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। सब्जी में प्याज, आलू, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च लेंगे। आप अपनी पसंद की और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सूखे मसालों में हल्दी, राई, उड़द दाल, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च और सांभर पाउडर ले लेंगे। इमली का पानी, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, बारीक कटा हुआ धनिया और हींग। सबसे पहले कुकर में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, उसमें हींग जीरा से छौंक लगा देंगे और सोक किया हुआ दाल डाल देंगे। साथ ही में हल्दी, नमक और पानी डालकर मिक्स करेंगे और कुकर को बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक कुक करेंगे, ताकि दाल 80% तक कुक हो जाए। दो से तीन सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तब तक इडली की तैयारी कर लेते हैं। सांचे में ऑयल लगाकर सभी खानों में 1 by 1 करके बैटर को डाल देंगे। दूसरी तरफ बर्तन में थोड़ा पानी डालकर गर्म होने देंगे। बैटर डालने के बाद इडली पॉट में बंद करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इधर हमारा दाल भी रेडी है। सारा गैस निकालकर सावधानी से खोलेंगे। दाल को एक बार चेक कर लेंगे, फिर इसमें सारे वेजी जो हमने कट किए थे डाल देंगे। फिर लाल मिर्च पाउडर, सांभर पाउडर और इमली का पानी डालकर चला देंगे। अगर आपके पास देगी मिर्च है तो आप लाल मिर्च की जगह उसे यूज कीजिए। इससे सांभर का कलर बहुत ही अच्छा आता है, जिससे देखने में सांभर बहुत ही सुंदर लगता है। चलाने के बाद फिर से 1 से 2 सीटी आने तक कुक करेंगे, ताकि सब्जी भी सॉफ्ट हो जाए। 1 या 2 से ज़्यादा सीटी मत दिलाइएगा, नहीं तो सब्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ हमारी इडली भी रेडी है, देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो अब इसे बाहर निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। इधर सांभर भी रेडी है, गैस निकाल कर चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। बस अब इसे तड़का देंगे। तड़का के लिए तड़के पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले उड़द दाल डालेंगे। उड़द दाल को थोड़ा क्रंची होने देंगे कुछ सेकेंड के लिए। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें राई, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता डालकर सांभर को तड़का देंगे। तो सांभर बिल्कुल बनकर रेडी है। तो बस इसे हॉट हॉट सर्व करेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी क्विक सांभर रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आपने देखा कि कितना जल्दी इडली और सांभर बनकर रेडी हो गया। ये देखिए, आपको इडली भी निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी इडली बनकर रेडी हुआ है। इडली को हमेशा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालें, नहीं तो गरम गरम में इडली टूट भी सकती है। तो देखिए कितनी आसानी से इडली बाहर निकल रही है। इसी तरीके से सारे इडली को बाहर निकालेंगे।
मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा और स्पॉन्जी इडली बना है। बस इसे हम सांभर के साथ सर्व करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।